आज मैं हूँ पुरानी दिल्ली के एक हिडन ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे सुबह सुबह आपको मिलता है एक पुराने स्टाइल पुराने पत्तों में बेडमी पूड़ी। और अंकल क्या क्या होता है आपके पास? हलवा नगोड़ी। हलवा नगोड़ी के साथ ये देखे जरा, ये सूजी का हलवा हो गया, साथ में नगोड़ी। क्या रेट है? ये नगोड़ी होती है 15 रुपए की, दो 15 रुपए की दो नगोड़ी। बहुत जी, बहुत बढ़िया। और 20 रुपए की दो पूड़ी है। 20 रुपए की दो पूड़ी। आलू की सब्जी दिखाना थोड़ा, ये देखे जरा, ये आ गया आलू की सब्जी। और इसके साथ क्या क्या मिलता है? मिर्च, मेथी की चटनी, गाजर का अचार। गाजर का अचार हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए जरा, यहाँ पे गर्मा गर्म नगोरी बन रही है। उधर देखेंगे यहाँ पे पूड़ियाँ निकाली जा रही है। इधर देखिए इनका जो स्टाइल है, मतलब आज भी पहले की तरह ही पत्तों में देते हो। हाँ जी। और वैसे कितने साल हो गए इस दुकान को? इस दुकान को 82 साल पूरे हो गए। 82 साल हो चुके हैं। और भाई साहब, मतलब पिताजी के टाइम की चलाई हुई दुकान। अभी आप सेकंड जनरेशन हो? बहुत बढ़िया। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए? 50 साल से ऊपर हो गए। अरे बहुत बढ़िया, 50 साल से अंकल संभाल रहे हैं। और इनका जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना, इतनी लाजवाब आ रही है। इधर देखिए, यहाँ गर्मा गर्म नगोरी निकाली जा रही है और यहाँ पे निकली। और ये देखिए जरा, यहाँ पे अंकल सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हलवा है और साथ में ना आलू की सब्जी होगी, पूड़ी होगी। और इसके अलावा और पूरे दिन में और क्या क्या होता है? इसके नाश्ते के बाद कचौड़ी समोसा बनता है दोपहर। अच्छा, दोपहर को। और नाश्ते की टाइमिंग क्या? जलेबा बनता है, जलेबा, बड़े वाला जलेबा। बहुत बेहतरीन। वैसे दुकान की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी भी। और बाकी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग क्या है नाश्ते की? 8 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे तक नाश्ता रहता है। बहुत बढ़िया। तो फिर आप एक काम करो, हमें दो नगोरी दे दो, दो पूड़ी दे दो। तो ये देखिए जरा, ये आ गई नगोरी, साथ में आएगा जी हलवा। ये देखिए जरा, तो ये नगोरी हलवा आ गया हमारा, साथ में अब हम लेंगे पूड़ी। ये देखिए जरा, पहले आलू की सब्जी जरा चेक करें। ये आलू की सब्जी आ गई, ऊपर से मेथी की चटनी आ गई, साथ में गाजर का अचार। हाँ जी। और साथ में हरी मिर्च आ गई। ये आ गई अब हमारे पत्ते पे पूड़ी। अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। फाइनली अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। मैंने ले लिया आलू पूड़ी, साथ में लिया नागोरी हलवा। अब सबसे पहले आपको रंगत दिखाते हैं। ये देखे जरा, ये आलू की रंगत देखे, साथ में गाजर दिया, मिर्च दिया और पूड़ी देखे जरा। ये जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, पुराने पत्ते में एकदम खस्ता है। ये देखे जरा, क्रिस्पी एकदम। अंदर देखे दाल की पिट्टी की हल्की हल्की स्टफिंग है। अब इसकी बाइट लेता हूँ और आपको बताता हूँ टेस्ट। ये देखे जरा, ये लिया आलू। ओहो हो, आलू आ गए। अब इसकी बाइट लेता हूँ, मज़ा आ रहा है जो खुशबू है इसकी। अब इसकी बाइट लेते हैं, स्वाद है बेहद लाजवाब। आलू की सब्जी का फ्लेवर बहुत बढ़िया, साथ में जो पूड़ी की क्रिस्पीनेस है वो काफ़ी लाजवाब है। एक बाइट और लूँगा मैं, बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ी सी ना इसमें तरी लेंगे इसकी, थोड़ी सी इसमें तरी लेंगे और साथ में ना ये गाजर का चाल लेंगे। एकदम देखोगे ज़बरदस्त हट्टी कट्टी गाजर है। अब इसकी बाइट लेते हैं, गाजर के साथ हो गया सोने पे सुहागा। फ्लेवर बहुत बढ़िया, हाईली रिकमेंड करता हूँ। पुरानी दिल्ली आओगे तो यहाँ पे ना एक हिडन जैम है, जहाँ पे आपको अभी आपको एड्रेस बताता हूँ अगर आप भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं। सबसे पहले टेस्ट करता हूँ नगोरी हलवा, प्राइस भी आपको साथ साथ बताता हूँ। पहले अंदर हलवे की थोड़ी स्टफिंग करते हैं। ये लेते हैं चम्मच, ये लिए चम्मच और इसके हलवे की स्टफिंग की। ये लिया जी, और इसकी बाइट लेते हैं और अब इसका टेस्ट देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। जी ओके ओके, पूरी ज़बरदस्त है। मुझे लगता है हलवा थोड़ा और बेटर हो सकता है। फ्लेवर एज पर प्राइस में बात करूँ बहुत लाजवाब है। मात्र 15 रुपये कीमत है इसकी, साथ में दो नगोरी होती है, नगोरी हलवा। और अगर पूड़ी की बात करूँ 20 रुपये कीमत में दो पूड़ी, साथ में आलू की सब्जी। पुरानी दिल्ली में पुराने रेटों के साथ ये ऐसा नाश्ता मिलना बहुत कम जगहों पर है। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, इस समय मैं खड़ा हूँ सीताराम बाज़ार में। थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, ये रोड जो है सीताराम बाज़ार है। थोड़ा सा अगर आगे जाते ना सिकंदर ऑमलेट पड़ता है, सिकंदर ऑमलेट से पहले ही ना यहाँ पे एक बार अंकल का चेहरा पहचान लो। इनकी जो दुकान का नाम है राम स्वरूप हलवाई है, उस दुकान पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। 1 बजे तक आएंगे और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से एग्जिट करके बिल्कुल सीधी रोड आएंगे, उल्टे हाथ पे ही आपको यहाँ पे राम स्वरूप हलवाई दुकान आपको दिखेगी, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, फेसबुक पे फॉलो करना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आपको हमारे स्वाद पे यकीन, जाके फॉलो करें दिल्ली फूड शॉपिंग।